मेरा नाम रमेश कपूर है, मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं आपको पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी के बारे में आज कुछ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं खगोल विज्ञान में यानी एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करता रहा हूँ। मेरे दिलचस्पी के विषय रहे हैं ब्लैक होल, पल्सार्स, क्वेजार्स, और आजकल मैं भारत में एस्ट्रोनॉमी के हिस्ट्री के ऊपर काम करता हूँ और इसमें मेरा बहुत दिल लगा रहता है। इसके अलावा जो है मेरी अपनी एक इच्छा रही है कि मैं लोगों तक एस्ट्रोनॉमी को सरल करके लोगों तक पहुंचाऊं। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग रिसर्च करते हैं और वो काफ़ी गहरी बातें होती हैं और आसानी से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इसको अगर हम सरल करके लोगों तक पहुंचा सकें तो ये एक हमारे लिए एक चैलेंज भी होता है और हमारे लिए एक खुशी की भी बात है। देखिए, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, इसमें हमें कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की इसके बारे में हमें जानकारी रहने की ज़रूरत है, तभी हम प्रभावी ढंग से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लोगों तक इस साइंस को पहुंचा सकते हैं। स्किल्स में जो है सबसे पहले है कम्युनिकेशन। आप किस प्रभावी ढंग से आप सरल लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, चाहे कम उम्र का व्यक्ति है चाहे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है। एस्ट्रोनॉमी को पॉपुलर करने में जो है सबसे एक जो केंद्र में बात है वो ये है कि ये एक बहुत ही खुशनुमा चीज़ है। हम दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हैं। अब हम कहाँ से आए, हमारे ऑरिजिन्स क्या हैं, सौरमंडल कैसे बना और ये ब्रह्मांड किस तरह से अस्तित्व में आया। सबसे पहली बात यह है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। लोग अधिकतर शौकिया ये काम करते हैं, कभी किसी प्लैनेटेरियम के साथ जुड़ जाते हैं या खुद से जो है जो भी जानकारी हासिल करते हैं वो लोगों के ग्रुप में जो है उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझसे कई बार न्यूज़ चैनल्स संपर्क करती हैं तो वो किसी किसी ख़ास इवेंट या किसी स्पेसक्राफ्ट के अंतरिक्ष में भेजे जाने को लेकर के मुझसे पूछते हैं। उसके बारे में मैं सूचना इकट्ठी करता हूँ जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक प्रामाणिक हो और अप्रामाणिक बात मैं लोगों तक ना दूँ, उसको मैं सरल भाषा में पेश करता हूँ। उसमें फिर मुझसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनका मैं फिर उनको उसी हिसाब से उत्तर देता हूँ। एक ये बात है। दूसरे, किसी न्यूज़पेपर की तरफ से कभी मुझे किसी इवेंट के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में फिर मैं सूचना इकट्ठी करके, तस्वीरें इकट्ठी करके वो मैं उन तक देता हूँ। इसके अलावा मैं खुद से भी कभी कोई इवेंट आता है तो कोई तस्वीर लेता हूँ, जैसे कि कभी मैं चंद्रमा की तस्वीर लेता हूँ, कभी ग्रहों की तस्वीर लेता हूँ और एक सरल कैमरा, DSLR कैमरा जो है उसके ज़रिए मैं कभी कभी ये लेता हूँ। तो ये जो है फिर मैं अपने फेसबुक पेज में भी डाल देता हूँ और इसके साथ में ज़रूरी जो सूचना है 4-5 वाक्यों में या 10-15 वाक्यों में वो उन तक मैं पहुँचाता हूँ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें पॉपुलराइजेशन में अलग अलग संस्थान जो है हिस्सा लेते हैं, क्योंकि एक उनकी ज़िम्मेदारी है कि जिन लोगों की ताकत से ये संस्थान बने हैं उन लोगों तक इस विज्ञान को पहुँचाया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने आप तक जो है पॉपुलराइजेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी पर एक बैलेंस्ड व्यू पहुंचा दिया है। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, धन्यवाद।